हेलो एवरीवन वेलकम आगे बढ़ते हैं मैडनेस ऑफ ऑल सॉर्ट्स मैडनेस मतलब पागलपन या फिर जुनून ऑब्सेशन कंपल्शन कंपल्शन मतलब एक तरह का फोर्स विच इज ऑटोमेटिक द मोनोमैनिया डेवलप्स एन एबनॉर्मल ऑब्सेशन इन रिस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम ग्रीक मोनोज मीन्स वन बट इज अदरवाइज नॉर्मल ओके मोनोमैनिया उस पर्सन को कहेंगे जिसके अंदर किसी एक चीज के प्रति बहुत ज़्यादा जुनून होता है ठीक है वैसे तो वो नॉर्मल है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चीज के प्रति बहुत ज्यादा जुनूनी होगा वो पर्सन ठीक है ग्रीक मोनोज मीन्स वन द ऑप्शेशन इट्स सेल्फ इज मोनोमेनिया उस ऑब्सेशन को कहेंगे हम मोनोमैनिया monomania, मोनोमैनिया हो गया वो पर्सन ठीक है अच्छा ऑप्शेशन से अगर हमें इट्स अ नाउन ऑब्सेशन इज नाउन आई ओ एन इज नाउन एंडिंग इससे अगर हमें एडजेक्टिव बनाना है तो हम आई ई सफिक्स लगा करके बनाएंगे ऑब्सेसिव ठीक है इस एडजेक्टिव से अगर हमें नाउन बनाना है तो हम इसके बाद एन ई डबल एस सफिक्स लगा करके हम इससे नाउन बना सकते हैं है तो ऑब्सेशन खुद एक नाउन है और ऑब्सेसिवनेस भी एक नाउन है ठीक है द ऑब्सेशन और ऑब्सेसिवनेस ठीक है बस बात इतनी सी है कि ऑब्सेशन से एडजेक्टिव बनाया था उससे नाउन बनाया है तो बना है ऑब्सेसिवनेस ठीक है ओके उस ऑब्सेशन को कहेंगे मोनोमैनिया तो मोनोमैनिया इज इक्वल टू ऑब्सेशन ठीक है लेकिन किस तरह का ऑब्सेशन ऑब्सेशन इन रिस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर थिंग ओके द एडजेक्टिव इज मोनोमैनियाकल मोनोमेनियकल लाइक द एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ वेरियस अदर मैनियर्स इज ट्रिकी टू प्रोनाउंस प्रैक्टिस केयरफुल टू मेक श्योर यू से यू कैन से इट करेक्टली विदाउट स्टरिंग ठीक है लेकिन हमारे लिए तो फेयरली ईजी है मोनोमैनियाकल मूविंग ऑन ओके साइकोलॉजी रिकोगनाइज अदर एबनॉर्मल स्टेट्स ऑल डिजिनीटिंग पहला है डिप्सोमिया फ्रॉम ग्रीक डिप्सा मीन्स थर्स्ट ओके सो डिप्सोमैनिया इज इक्वल टू कंपल्शन कंपल्शन एक तरह का ऑटोमेटिक फोर्स है ठीक है मॉर्बिड मीनस अनहेल्दी या फिर डिजीज तो इट्स एन अनहेल्दी कंपल्शन लेकिन किस चीज का कंपल्शन टू कीप ऑन एब्जॉर्बिंग एल्कोहलिक बेवरेज द डिप्सोमिया हैज़ बिन डिफाइंड एज द पर्सन फॉर होम वन ड्रिंक इज टू मैनी अ थाउजेंड नॉट अनफ ओके रिसेंट इन्वेस्टिगेश सजेस्ट दैट डिप्सोमिया ठीक है तो पहले मैं बता दू डिप्सोमिया हो गया एक तरह का मॉर्बिट कम्पलशन टू कीप ऑन एब्जॉर्बिंग एल्कोहलिक बेवरेज बोलूँ तो एल्कोहलिज्म को कहते हैं डिप्सोमिया ओके okay. उस पर्सन को कहेंगे डिप्सोमिया और उसका एडजेक्टिव हो गया डिप्सोमेनिया आगे बढ़ते हैं रिसेंट इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट डैट डिप्सोमैनिया और एल्कोहलिज्म में नॉट नेसेसरी बी कॉज बाय एन्जाइटीज़ और फ्रस्ट्रेशन बट पॉसिबली बाय अ मेटाबॉलिक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ठीक है अच्छा नॉर्मल लोइस ने यह लाइन क्यों लिखी है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करता हूँ बिकॉज बहुत स्ट्रेस है एनजाइटी है फ्रस्ट्रेशन है बिकॉज ऑफ दैट ठीक है तो ये बताने के लिए उन लोगों के लिए नॉर्मल लुइस ने ये लाइन लिखी है कि रिसेंट इन्वेस्टिगेशंस ये बताते हैं कि ये अल्कोहलिज़म कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एंगजाइटी और फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो बट पॉसिबली बाय अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकती है आपके अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर disorder वो डिसऑर्डर्स होते हैं डेट इज़ रिलेटेड टू मेटाबोलिज्म ओके मेटाबोलिज़्म वो केमिकल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कि फ़ूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है ठीक है तो कहीं ना कहीं वो डिसऑर्डर है आपकी बॉडी में इसीलिए यू आर कंज्यूमिंग सो मच ऑफ एल्कोहल ठीक है या फिर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब मेंटल डिसऑर्डर विच इज विच हैज़ बिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द माइंड ठीक है तो या तो हो सकता है एक तरह का आपको मेंटल डिसऑर्डर हो या फिर एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो आप अपने एल्कोहलिज़म को एनजाइटीज़ और फ्रस्ट्रेशन से कनेक्ट मत कीजिए ठीक है ये नॉर्मल वेज कहना चाहते हैं ओके मूविंग ऑन अगला वर्ड है हमारा अगला ऑप्शेशन या फिर कंपल्शन है क्लैप्टोमैनिया क्लिप्टोमिया इज इक्वल टू अनहेल्दी कंपल्शन टू स्टील ठीक है इट्स अनकंट्रोल्ड या फिर अनहेल्दी इट्स अनकंट्रोल्ड डिज़ायर टू स्टील नॉट फ्रॉम एनी इकोनॉमिक मोटिव पैसे के लिए नहीं वो चोरी करता है लेकिन पैसे के लिए नहीं करता बट सिंपली बिकॉज द अर्ज टू तो टेक तो एनद पोजिशंस इज इरेजिस्टेबल वो खुद को रोक नहीं पाता सामने वाले की चीज लेने से उस पर्सन को कहेंगे क्लेप्टोमैनिया और इसका एबजेक्टिव हो गया क्लेप्टो मैनियाल ठीक है फ्रॉम ग्रीक क्लेप्ट मीन्स थीफ ओके सो द क्लेप्टो मैनियाक मे बी वेल्दी एंड येट बी एन ऑब्सेसिव शॉप लिफ्टर द क्लेप्टो मैनिया फॉर रीजन दैट साइकोलॉजिस्ट आर स्टिल आर गोइंग अबाउट इज मोर ऑफ एन अ फीमेल दैन अ मेल एंड मे पिंच हर बेस्ट फ्रेंड्स वैल्यूलेस ट्रिंक एट चीप एस्ट्रे ऑल्स और सॉल्ट शकर फ्राम अर रेस्टोरेंट नॉट बिकॉज शी वॉन्ट्स नॉट बिकॉज शी नीड्स द आर्टिकल बट बिकॉज शी अपरेंटली कैनॉट हेल्प हर सेल्फ शी गेट्स कैरिड अवे ओके मैनिया है तो जाहिर सी बात है शी गेट्स कैरिड अवे यहाँ पर बार बार शी लिखा है उन्होंने बिकॉज uh, ये ज़्यादातर महिलाओं के अंदर होता है एज कंपेयर टू मेल ठीक है और इसका रीज़न इसके रीजन के लिए साइकोलॉजिस्ट अभी तक आर्ग्यू कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है ठीक है मूविंग ऑन आगे बढ़ते हैं पायरोमैनिया पायरोमैनिया इज़ मॉर्बिट कंपल्शन टू सेट फायर्स आग लगाने के कंपल्शन को कहते हैं पायरोमैनिया ठीक है वो आग क्यों लगाता है क्योंकि वो इन्जॉय करता है फ्लेम्स को हीट को स्मोक को और जब वो शुरू में खास करके जब वो एक चिंगारी से जब आग दहकता है उस चीज़ को काफ़ी इंजॉय करता है ओके पायरोमैनिया शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद इंसेंडियरिज्म डियरिज्म डियरिज्म ठीक है पायरोमैनिया शुड नॉट भी कन्फ्यूज विथ इंसेंडियरिज्म विच इज मेलिशियस एंड डिलिबरेट बर्निंग ऑफ एनदस प्रॉपर्टी एंड इज नॉट ए कम्पल्सिव नीड टू सी द फ्लेम्स एंड एंजॉय द थ्रिल ऑफ द हीट एंड स्मोक ठीक है एक तो हो गया पायरोमेनिया विच इज अ मॉर्बिट कम्पलशन टू सेट फायर्स इसी तरह से एक वर्ड है इंसेंडियरिज्म इंसेंडियरिज्म क्या है एक ऐसा एक्ट जिसमें आप दूसरे की प्रॉपर्टी को जानबूझ कर आग लगाते हैं क्यों टू टेक रिवेंज सम Pyromaniacs join volunteer fire companies, often heroically putting out the very blazes they themselves have set. Okay, an incendiary incendiary is antisocial and usually sets fires for revenge. theek hai to incendiary aakhir फायर क्यों लगाता है, आग क्यों लगाता है? बदला लेने के लिए लगाता है, revenge के लिए, लिए लगाता है. Okay, और incendiary वैसे तो एक adjective है, meaning designed टू कॉज फायर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि आग पैदा करते हैं हम उसके लिए भी यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पर इंसेंडियरी एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है फॉर दैट पर्सन ओके हमने कई बार देखा है कि हम एक एडजेक्टिव को भी एज अ नाउन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर वही किया है इस सेंटेंस में ओके आइदर ऑफ दिस टू डेंजरस कैरेक्टर इज़ कॉल्ड कोलोक्वियली अ फायर बर्ग ठीक है आइदर ऑफ दिस टू कैरेक्टर और दोनों ही कैरेक्टर को नॉर्मल वेस कहते हैं डेंजरस ठीक है पायरोमैनिया सॉरी पायरोमैनिया भी और ये इंसेंडियरी भी ये दोनों ही डेंजरस होते हैं और उन दोनों को ही वी कैन कॉल इन इनफॉर्मल इंग्लिश अ फायरबग ठीक है फायरबग हो गया आग लगाने वाला ठीक है एक और वर्ड है आर्सन आर्सन भी आग लगाता है लेकिन वो इकोनॉमिक गेन के लिए लगाता है मान लीजिए उसने अपनी प्रॉपर्टी का अपनी फैक्ट्री का अपने ऑफिस का अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया है और उसको इंश्योरेंस के पैसे चाहिए तो वो उसको आग लगा देगा और वो पैसे लेगा इंश्योरेंस के अपने ठीक है वैसे पर्सन को कहते हैं आर्स सॉरी उस एक्टिविटी को कहते हैं आर्सन वैसे पर्सन को कहेंगे आर्सनिस्ट ठीक है इन लॉ सेटिंग फायर टू अनदर्स और टू वंस ओन प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक गेन इज कॉल्ड आरसन ठीक है सेटिंग फायर सेटिंग इज अ जेर यहाँ पर उस एक्टिविटी की बात की जा रही है तो आरसन इज इक्वल टू सेटिंग फायर टू अनदर्स या फिर टू वंस ओन प्रॉपर्टी क्यों फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक गेन ओके एंड इज अ फेलोनी फेलोनी मीन्स क्राइम एंड इज अ क्राइम ठीक है आपने खुद की प्रॉपर्टी को या फिर किसी की प्रॉपर्टी को इसीलिए इसीलिए आग लगाया कि आप इंश्योरेंस के पैसे ले सकें तो इट्स अ क्राइम ओके मूविंग ऑन द पायरोमैनिया सेट्स फायर फॉर द थ्रिल द इंसेंडियरी फॉर रिवेंज द आर्सनिस्ट फॉर मनी ओके पायरोमैनिया इज़ बिल्ट ऑन ग्रीक पायरोस मीन्स फायर इंसेंडियरिज्म ऑन लैटिन इंसेंडो इनसेंसस टू सेट फायर एंड आर्सन ऑन लैटिन आरडो आर्सस मीन्स टू बर्न ओके मूविंग ऑन कैन यू राइट एंड प्रोनाउंस द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ पायरोमैनिया पायरोमैनिया का हो जाएगा पायरोमैनियाकल ठीक है अगला वर्ड है मेगालोमैनिया इज अनहेल्दी डिल्यूजन मतलब भ्रम अनहेल्दी डिल्यूजन ऑफ ग्रेंजर पावर इंपॉर्टेंस गॉडलीनेस एट्सेट्रा ठीक है हम उस पर्सन को कहेंगे मेगलो मैनिया ठीक है हम उस भ्रम को कहेंगे मेगालोमैनिया ओके तो मेगालोमैनिया आप ये मत समझिए कि वो पर्सन हो गया ये उस भ्रम को कहते हैं ठीक है थीके? एक ऐसा भ्रम जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है बहुत ज़्यादा गॉड लाइक पावर है आप बहुत ही इम्पोर्टेंस आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है बहुत ही महान है ओके जोक्स एक्ूजिंग द हेड्स ऑफ गोरमेंट्स ऑफ मेगा और कॉमन हीयर्स एन ओल्ड चेस्टनट फ्राम द फोटीज ठीक है चेस्टनट होता है कोई ऐसा जोक या फिर स्टोरी जो कि बोरिंग हो गई है क्योंकि वो कई बार हम सुन चुके हैं तो यहाँ पर एक कहानी है चर्चिल रूजवेल्ट और स्टेलिन की चर्चिल कहते हैं कि मैंने सपना देखा कि भगवान ने मुझे दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया है रूजवेल्ट ने देखा रूजवेल्ट कहते हैं कि उन्होंने एक सपना देखा कि भगवान ने मुझे दुनिया का प्रेसिडेंट बना दिया है स्टालिन कहते हैं आखिर तुम लोग ये सपना कैसे देख सकते हो क्वेश्चन मार्क मैंने तो कोई सपना ही नहीं देखा कि मैंने इन पोजीशंस को तुम्हें ऑफर किया है ओके मूविंग ऑन हिटलर नेपोलियन एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट हैव मेगालो कॉल्ड एक्स ओके हिस्ट्री इन्हें इन तीन लोगों को मेगालो बुलाती है ओके ऑल थ्री सर्टेनली हैड भ्रम अबाउट देयर इन्वेसिबिलिटी ओके इन्विंसिबल होता है टू पावरफुल टू बी डिफिटेड इन्वेसिबिलिटी हो गया द क्वालिटी ऑफ बींग टू पावरफुल टू बी डिफिटेड ठीक है तो वो सोचते थे कि उनके अंदर ये क्वालिटी है कि उनको कोई हरा नहीं सकता ओके okay. तो हिटलर को हराया गया था वर्ल्ड वॉर टू में इन्हें इन्हें लगता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता नेपोलियन बोनापाट को हराया गया था बैटल ऑफ वाटर लू में इन्हें भी लगता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता एलेक्जेंडर द ग्रेट 18 साल की एज से इन्होंने युद्ध जीतना स्टार्ट किया और लगातार पंद्रह सालों तक ये युद्ध जीतते रहे, जीतते रहे। और ये सही भी है कि युद्ध में ये कभी नहीं हारे फिफ्टीन ईयर्स ऑफ अन कॉन्क्वेस्ट एलेक्जेंडर द ग्रेट कर रहा है लेकिन एट द एंड एट द एज ऑफ थर्टी टू या थर्टी थ्री इनकी डेथ हो गई थी फ्रॉम सेरेब्रल मलेरिया ठीक है एलेक्जेंडर द ग्रेट के अंदर भी इस तरह का भ्रम था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता हालांकि उन्हें सच में कोई हरा भी नहीं पाया था बैटल में तो वो कभी नहीं हारे थे लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सभी को ये दुनिया छोड़ करके जाना है सो एट द एंड सो एट द एज ऑफ थर्टी टू ही सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज जब वो इंडिया में आए थे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी कैन यू राइट एंड प्रोनाउंस करेक्टली द एडजेक्टिव डिराइव फ्राम मे ओके मेगालो मैनिया तो वो पर्सन हो गया और और मैनिया उस भ्रम को कहेंगे इसका एडजेक्टिव होगा मेगालो कल ओके मूविंग ऑन मेगा इज बिल्ड ऑन ग्रीक मेगास मींस ग्रेट बिग या फिर लार्ज प्लस मैनिया मैनिया मींस मैडनेस कैन यू थिंक ऑफ द वर्ड फॉर वॉट सम वन स्पीक्स थ्रू टू मेक द साउंड फोन ऑफ हिज वॉइस ग्रेटर ठीक है कैन यू थिंक ऑफ द वर्ड फॉर वॉट फॉरवर्ड मतलब कि जिससे फॉरवर्ड समवन फॉरवर्ट थ्रू मतलब जिससे मतलब उस डिवाइस के बारे में बात हो रही है। उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे ये पूछा गया है टू मेक साउंड ऑफ़ हिज वॉयस ग्रेटर टू मेक साउंड ग्रेटर तो ग्रेटर के लिए तो मेगा हो गया और साउंड के लिए फ़ोन हो गया तो इसका वर्ड है उस उस डिवाइस को कहेंगे मेगा फोन ओके okay. अगले दो वर्ड्स हैं निम्फो और सेटिरो ठीक है तो निम्फोमैनिया इज डिज़ायर हम उस डिज़ायर को कहेंगे ठीक है ऑन द पार्ट ऑफ द फीमेल ये फीमेल कंटेक्स्ट में यूज होता है उस डिजायर को कहेंगे फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स सो डिजायर फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स लेकिन हम किसी भी डिजायर को नहीं कहेंगे अनहेल्दी इंसीसेंट इंसीसेंट मतलब नेवर स्टॉपिंग कंटिन्यूइंग अनकंट्रोलेबल इंटेंस डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ द फीमेल फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स ओके फ्रॉम ग्रीक निम्फ मीन्स ब्राइड प्लस मैनिया मीन्स पागलपन हम उस पर्सन को कहेंगे जिस तरह से पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो उसको कहेंगे निम्फो एडजेक्टिव के लिए क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ए एल लगा देते हैं ठीक है तो इसका हो जाएगा निम्फो मैनियकल ठीक है सेटीरो मैनिया भी उस डिज़ायर को कहेंगे लेकिन इट्स ऑन द पार्ट ऑफ द मेल ठीक है कैसे डिज़ायर को सेम मॉर्बिड अनकंट्रोलेबल, इंटेंस डिज़ायर को कहेंगे ऑन द पार्ट ऑफ द मेल द पर्सन इज सटीरो एंड द एडजेक्टिव इज सटीरो ठीक है ये कहाँ से आया है ग्रीक की मैथोलॉजी मैथोलॉजी में एक गॉड है उनका नाम है सेटर ओके ही वॉज नोटोरियस नोटोरियस मतलब ही वॉज़ बैडली नोन फॉर लीचरी ओके लीचरी हो गया एक तरह का डिज़ायर लेकिन किस तरह का सेक्शुअल डिज़ायर लेकिन कैसा एक्सेसिव ठीक है तो वो दिखने में कैसे थे ही हैड हॉर्न्स हॉर्न्स मतलब सिंग पॉइंटेड ईयर्स एंड द लेग्स ऑफ अ गोट ठीक है आप इमेजिन कर सकते हैं मुझे कोई फ्री टू यूज इमेज मिली नहीं गूगल पे और वो मिली थी तो फिर वो इतनी अच्छी थी नहीं कि मैं आप लोगों को दिखा पाता द रेस्ट ऑफ हिम वॉज इन ह्यूमन फॉर्म सेटिरो मतलब वो डिजायर इज ऑल्सो कॉल्ड सेटेरियासिस ठीक है ये इसका सिनोनिम हो गया मूविंग ऑन एंड नाउ फोबिया सो मच फॉर मैनी एक्स देयर इज एन अदर साइड टू द क्वाइंट जस्ट एज पर्सनैलिटी डिजॉर्डर्स कैन कॉज मॉर्बिट अट्रैक्शन ठीक है जिस तरह से मैनिया होता था मॉरबिट एट्रेक्शन इसी तरह से फोबिया है एक तरह का मॉर्बिट रिपल्शन ओके जस्ट एज पर्सनैलिटी डिजॉर्डर्स कैन कॉज मॉर्बिट अट्रैक्शन टवर्ड सर्टन थिंग्स और एक्ट्स जैसे स्टीलिंग फायर पावर सेक्स एट्सेट्रा सो so,

लेकिन यहाँ फोबिया से मतलब है एक तरह इस हद तक डर कि वो फ़ोटो में भी नहीं देखना चाहते हैं वो फोटो में भी नहीं देख सकते हैं। वो सोचने में भी उन्हें डर लगता है थंडर और लाइटनिंग वेरियस कलर्स एंड सो ऑन और ऑलमोस्ट विदाउट एंड यहाँ पर एक नोट दिया है देखते हैं फुट नोट में क्या है फॉर सम ऑफ दिस एसोटेरिक फोबिया सी अपेंडिक्स अच्छा अपेंडिक्स में आप लोगों को और सारे फोबियाज दिए गए हैं यहाँ तो केवल तीन है सच मॉर्बिड ड्रेड और फियर इज़ कॉल्ड अ फोबिया and we might pause to investigate the three most common ones. these are claustrophobia is morbid fear of being physically hemmed in, ठीक है? of in of enclosed places, ठीक है? claustrophobia ek dar hai छोटे जगहों में या फिर crowd में या फिर enclosed मतलब कि चारों तरफ से बंद space में रहने के डर को कहते हैं claustrophobia ठीक है? from latin claustrum meaning enclosed place प्लस ग्रीक फोबिया मीन्स मॉर्बिट फियर द पर्सन इज नोन एज क्लास्ट्रोफोब यहाँ पर साइलेंट ही लगा है तो फोबी नहीं कहेंगे बिकॉज साइलेंट की खुद की आवाज़ नहीं आती इसीलिए हम उसको साइलेंट कहते हैं उसका ऑब्जेक्टिव हो गया कोलास्ट्रोफोबिक एग्रोफोबिया इज फियर ऑफ ओपन स्पेसिस ठीक है एग्रोफो फोबिया उस डर को कहते हैं जो डर खुली जगहों का होता है उसको कहते हैं द रिवर्स ऑफ क्लास्ट्रोफोबिया ठीक है कोलास्ट्रोफोबिया डर हो गया बंद जगहों का और एग्रोफोबिया डर हो गया खुली जगहों का पीपल सफरिंग फ्रॉम एग्रोफोबिया प्रिफर टू स्टे शट इन देयर होम्स एज मच एज पॉसिबल एंड बिकम पैनिक स्ट्रिकन इन सच प्लेसेस एज ओपन फील्ड्स लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स एयरपोर्ट टर्मिनल्स एट्सट्रा क्योंकि ये खुली जगहें होती हैं फ्रॉम ग्रीक एग्रा मीन्स मार्केट या फिर सॉरी ग्रीक एग्रा मीन्स मार्केट प्लेस प्लस फोबिया फोबिया मीन्स फियर मॉर्बिड फियर ओके द पर्सन हम उस पर्सन को क्या कहेंगे हम उसको कहेंगे हमारा पैटर्न क्या था जिस तरह से हमने क्लॉस्टोफोबिया का क्लास्टोफोब किया था तो इसका एग्रोफोबिया का हो जाएगा एग्रोफोब एडजेक्टिव हो जाएगा एग्रोफोबिक ठीक है आईसी लगा करके मूविंग ऑन एक्रोफोबिया्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाई प्लेसेस ठीक है ओके द विक्टिम्स द विक्टिम्स ऑफ दिस फियर विल नॉट क्लाइम लैडर्स और ट्रीज और स्टैंड ऑन टॉप्स ऑफ फर्नीचर देखिए डर तो सभी को लगता है लेकिन यहाँ पर ना अनहेल्दी डिजीज्ड मॉरबिड लिखा हुआ है तो फिर एक अलग ही लेवल पर वो अगर वो डर है उसको कहते हैं फोबिया दे रिफ्यूज टू गो ऑन टू द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग और लुक आउट द विंडो ऑफ वन ऑफ द हायर फ्लोर्स फ्रॉम ग्रीक एक्रोज मीन्स हाइएस्ट प्लस फोबिया मीन्स फियर फियर नहीं कहेंगे मॉर्बिड फियर हो गया एक तरह से अनहेल्दी फियर पर्सन इज एक्रोफोब ओके अगले सेशन में हम एक्सरसाइजेस को करेंगे जहां पर हम रिव्यू करेंगे रूट वर्ड्स का प्लस इन वर्ड्स को एक बार फिर से डिफाइन करेंगे प्लस किताब की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे द ब्यूटी ऑफ दिस बुक लाइज इन द एक्सरसाइजेस जिस तरह से नॉर्मल उसने ने एक्सरसाइजेस को कंपाइल किया है मेक श्योर sure आप नेक्स्ट सेशन ज़रूर देखें क्योंकि मैं इन वर्ड्स को डिफाइन करके भी बताऊंगा और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को प्लीज़ एक पर्सन तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग और कमेंट में अपना फ़ीडबैक जरूर दीजिएगा मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया थैंक यू सो मच